हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर के रामदत्तपुर स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का किया उद्घाटन। गोरखपुर में हुए जल जमाव से निपटने के लिए महापौर को सतर्क रहने की दी सलाह। जल भराव वाले केंद्रों व सीएम के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा टीम बनाकर की जा रही है मॉनिटरिंग। शासन के निर्देशानुसार नहीं चलेंगे अमान्य विद्यालय, बिना मान्यता के स्कूल चलने वालों पर लगेगा 1,00,000 का जुर्माना। गोरखपुर रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के लोगों ने महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दिया धरना। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा, लापरवाह अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। 2 जुलाई से खुल रहे परिषदीय स्कूलों के छात्रों को मिलेंगे कॉपी किताब और बैग तथा ड्रेस, बीएसए ने दी जानकारी। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बंद किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बीएसए कार्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भारतीय राज्य का चरित्र आपातकाल से फांसी वाद तक, विषय पर हुआ सेमिनार, वक्ताओं ने रखे विचार। शिक्षा मित्रों की होगी विद्यालय में वापसी, बीएसए ने जारी किए आदेश। बीती रात हुई बारिश के कारण दूसरे दिन भी महानगर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बरकरार, लोग हुए परेशान। धरने के 11वें दिन प्रेरक संघ ने काली पट्टी बांध का किया विरोध। और अंतर बटालियन रेलवे सुरक्षा विशेष बल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में 28 से 30 जून तक होगी यह प्रतियोगिता।